बैक अगेन इन दिस वीडियो लेक्चर क्लास। पिछले क्लास में हम लोग ने टिपेनोजोमा गैम्बियंस के बारे में पढ़ा था और आज हम लोग क्या स्टडी करेंगे, आज हम लोग उचेरिया बेनेक्रोप्टी के बारे में स्टडी करेंगे। वो भी पैरासाइट था, डायजेनेटिक था, उसी तरह उचेरिया बेनेक्रोप्टी भी क्या है, डायजेनेटिक है और पैरासाइट है। लेकिन आपका टिपेनोजोमा पैरासाइट था तो वो किस फाइलम का था, प्रोटोजोआ, और ये हमारा निमेटोड्स फाइलम का है, मींस निमेटोड्स है, पैरासाइट एज ए निमेटोड्स है। तो दोनों में वो भी डायजेनेटिक था, ये भी डायजेनेटिक है। वहां पे कंप्लीट होस्ट हमारा कैसे कंप्लीट कर रहा था, प्राइमरी होस्ट या सेकेंडरी होस्ट जो हमारा था या इंटरमीडिएट होस्ट था वो क्या था, मैन और सीसी फ्लाई। और यहाँ पे हमारा उचेरिया बेनेक्रोप्टी का हमारा जो डायजेनेटिक है वो डायजेनेटिक होस्ट क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैन और उसके बाद मच्छर, जिसको मॉस्क्यूटो कहेंगे, मच्छर कहेंगे। और मॉस्क्यूटो में भी कुलेक्स जो है, एडीज है, कुलेक्स आपका फैटिजेंस है, ये सब मॉस्क्यूटो का क्या है, ये इसका सेकेंडरी होस्ट है और अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। तो आज हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे इसके मॉर्फोलॉजी के बारे में, इसके स्ट्रक्चर के बारे में कि ये कैसा होता है। उचेरिया बेनेक्रोप्टी निमेटोड जो है हमारे पैरासाइट के रूप में हमारे में प्रेजेंट है या होता है, अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है, तो किस तरह का होगा ये, उसकी स्टडी हम डिटेल में करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग जान जाते हैं कि उचेरिया बेनेक्रोप्टी को हम क्या कहते हैं, आपका फाइलेरिया वॉर्म भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या कॉज करता है, फाइलेरियासिस, एक तरह का बीमारी है जिसको क्या करता है, ये कॉज करेगा। और बाद में क्या करता है, जब ये स्वेलिंग पूरा बंच बढ़ जाता है तो लिम्फ में, लिम्फेटिक वेसल्स में, लिम्फ नोड्स में, तो ये क्या करेगा, एलिफेंटियासिस, एक और बीमारी है जिन हाथी पाव जिसे कहते हैं, उस तरह की बीमारी को कॉज करता है। तो आप यहाँ देख ही सकते हैं टिपेनो हमारा क्या है, उचेरिया बेनेक्रोप्टिपोनेजोमा का जैसे मैंने डिटेल स्टडी कराया था वैसे ही ये क्या है, उचेरिया बेनेक्रोप्टी का स्टडी हम इसके स्ट्रक्चर मॉर्फोलॉजी का स्ट्रक्चर करेंगे। तो उचेरिया के बारे में हम सबसे पहले क्या जानेंगे, इसके सिस्टमेटिक पोजीशन या क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी करते हैं। तो हमारा फाइलम, सबसे पहले फाइलम हमारा क्या है, आप नॉर्मली इसको नेमेटोड्स भी कहते हैं, कह सकते हैं, लेकिन ये हमारा फाइलम क्या है, एस्केहेल्मिन्स किसमें आता है, एस्केहेल्मिन्स किसमें आता है, नेमेटोड्स ही है। क्लास हमारा क्या होगा, फास्मीडिया, क्लास हमारा फास्मीडिया, ऑर्डर फाइलेरॉइडी, मतलब फाइलेरिया कॉज करता है। तो आपको जनरली क्या होगा, सिंपली आप इसको क्या याद कर सकते हैं, फाइलेरॉइडिया। जीनस हमारा क्या होगा, उचेरिया है, और स्पीसीज क्या होगा, बेनेक्रोप्टी। आप लोग एक चीज बहुत स्टूडेंट्स व्यूअर्स आप लोग ये जान लीजिए, बहुत सारे क्या होते हैं यूट्यूब पे जो वीडियोस बनते हैं, इस जीनस और स्पीसीज नेम में क्या करते हैं, वो गलती करते हैं। जीनस नेम हमेशा हमारा कैपिटल से होता है और स्पीसीज नेम हमेशा आपका स्मॉल लेटर से होता है। बहुत जगह बच्चे क्या करते हैं, अंडरलाइन नहीं करते हैं या उसको कैपिटल में लिखते हैं, तो ये प्रोसीजर गलत होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा उचेरिया है क्या, आपका निमेटोड्स है, निमेटोड्स में कैसा वर्म है, राउंड वर्म, जैसे एस्केरिस होता है वैसे ही हमारा क्या है, राउंड वर्म है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि ये किस तरह का वर्म है, ये फिलीफॉर्म, ठीक है, हेयर लाइक, वाइट, ट्रांसपेरेंट, मतलब किस तरह का वाइट है, क्रीमी वाइट, ठीक है, या हेयर लाइक है, मतलब हमारे जैसे बाल होते हैं, पतले होते हैं। और मेल और फीमेल सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म करता है, मतलब मेल और फीमेल को देख के हम पहचान तो सकते हैं, लेकिन क्या है, वो दोनों जनरली एक साथ क्या होते हैं, क्वाइल रहते हैं और बहुत मुश्किल से ही सेपरेट किए जा सकते हैं, ठीक है। तो फास्मीडिया है, आप इसका क्लास फास्मीडिया जानते हो, तो इसके बारे में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्या हुआ कि निमेटोड है और राउंड वर्म है। और इसके पास ये बहुत क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है, लिप्स, बकल कैप्सूल एंड बर्सा जो होती है वो एबसेंट होता है उचेरिया में, ठीक है। तो अब हम इसका देखेंगे कि हैबिट और हैबिटेट क्या है। तो हैबिट और हैबिटेट जहां मतलब वो पाया जाता है, तो हमारा क्या है, आपका ट्रॉपिकल डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम इसका देखें तो क्या है, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन में ये सबसे ज्यादा पाया जाता है। वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन जहां पे पोलर रीजन है वहां पे ये कम पाया जाता है, लेकिन ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट रीजन में ये बहुत ही ज्यादा पाया जाता है, जैसे अरेबियन और इंडियन जो भी हमारा प्लेस है, और जापान है, चाइना है, ये सब जगह पाया जाता है उचेरिया।
लेकिन इंडिया में गोरखपुर रीजन जो है सबसे ज्यादा इफेक्टेड है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। वहां पे ये बीमारी हाथी पाँव, जिसको नॉर्मल भाषा में कहते हैं मच्छरों के काटने से, सुनते हैं सब कहते हैं, तो ये बीमारी सबसे ज्यादा गोरखपुर रीजन में बहुत ही ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, अब एडल्ट हमारा क्या है, आपका हैबिट के बारे में हम जानेंगे। तो एडल्ट हमारा कैसा था, फिलिफॉर्म था, क्वाइल था। ठीक है, तो वो हमारा एडल्ट फाउंड एज पैरासाइट, सबसे बड़ी बात है कि ये पैरासाइट के रूप में प्रेजेंट है। हेलमिंस का, फाइलम हेलमिंस का एक कैरेक्टर ही है कि वो पैरासाइट, जनरली एक दो को छोड़ के ज्यादातर सारे क्या होते हैं, पैरासाइट के रूप में प्रेजेंट होते हैं, पाए जाते हैं। तो एडल्ट क्या है, फाउंड एज ए पैरासाइट। कहाँ पैरासाइट रहेगा, इन ए क्वाइल्ड स्टेज, मतलब आपका क्वाइल्ड रहेगा। क्वाइल्ड स्टेज कहाँ पे, लिम्फेटिक आपका सिस्टम में, लिम्फेटिक वेसल्स में, ठीक है, और लिम्फेटिक नोड्स में, और वो क्या, साथ ही साथ मस्कुलर टिश्यूज ऑफ मैन। तो इसका हैबिट क्या हो गया, हैबिट और हैबिटेट क्या हो गया, पैरासाइट के रूप में है, क्वाइल्ड है, और कहाँ प्रेजेंट है, लिम्फेटिक वेसल्स में या लिम्फेटिक सिस्टम में, लिम्फ नोड्स में, और मस्कुलर टिश्यू ऑफ मैन, जहां पे वो क्या करता है, ब्लॉक कर देता है टिश्यूज को, और क्या करेगा, स्वेलिंग कर देगा, जिससे क्या होगा, आपको बीमारी हो जाएगी, सबको बीमारी हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, एल्फेंटियासिस, मतलब एल्फेंट की तरह, हाथी की तरह पांव हो जाता है। अब हमारा क्या है, उचेरिया क्या है, नॉर्मली हम इसको कॉमनली क्या कहते हैं, फाइलेरिया वर्म है। तो हमारा क्या है, कॉमनली कॉल्ड फाइलेरियल वर्म, और कॉज कर रहा हमारा क्या, वही बीमारी जिसको हम क्या कहेंगे, एलिफेंटियासिस। अगर मेल और फीमेल के बारे में हम देखेंगे तो मेल फीमेल को हम इजीली देख के पहचान सकते हैं कि मेल कैसा है और फीमेल कैसा है, यानी जहां पे भी सेक्स सेपरेट होता है, यानी आपका मेल अलग से पहचान में आ जाए, फीमेल अलग से पहचान में आ जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, वैसे कैरेक्टर को हम कहते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, मतलब सेक्सुअली वो क्या करे, आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो इसलिए सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म है, ठीक है आपका। और हम कैसे पहचान सकते हैं, टेल इंड को, टू सी द टेल लिजन, टेल इंड को हम देख के क्या मेल और फीमेल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, जहां पे जबकि उसका एंटीरियर इंड जो है वो हमेशा सेम होता, रिमेन सेम ही होगा दोनों में, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, एंटीरियर इंड सेम होगा, सिर्फ फर्क क्या होगा, अकॉर्डिंग टू साइज, मेल और फीमेल के साइज में फर्क होगा। लेकिन पोस्टीरियर टेल इंड को देख के हम क्या कर सकते हैं, उसके सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म के बारे में जान सकते हैं कि मेल कैसा है और फीमेल कैसा है। अब फीमेल पहले मैं स्टडी आपको पूरा करा दूं, फिर आपको फिगर से पूरा डिटेल करा दूं। अब हम लोग देख सकते हैं ये मेल और फीमेल के बारे में, हम यहाँ फिगर है आपका, ये क्या है फीमेल है और ये क्या है मेल है। तो अभी जनरल देख लीजिए कि मेल फीमेल क्या है, फीमेल सिलेंड्रिकल लाइक फ्यूजिफॉर्म है, हेयर लाइक है और कैसा है आपका, स्ट्रेट है, ठीक है। लेकिन मेल का टेल इंड देखिए क्या है, ये सर्कल, मतलब आपका ये टेल इंड को हम देख के क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि ये फीमेल है और ये मेल है, ठीक है। तो अब हम मेल और फीमेल को अगर मेजर करते हैं तो मेल हमेशा क्या होगा, छोटा होगा साइज में इन कंपेरिजन टू फीमेल, फीमेल से वो क्या होगा, हमेशा छोटा होगा, लगभग उसके आधे, चाहे वो चौड़ाई हो उसकी या लंबाई हो। तो फीमेल को अगर हम मेजर करेंगे तो वो हमारा क्या होती है, 65 टू 100 mm इन लेंथ, लेंथ हमारा क्या है 65 टू 100 mm लेंथ है, और उसकी ब्रेथ या चौड़ाई कितनी है 0.25 mm इन ब्रेथ। वहीं पे हमारा क्या है आपका मेल जो होता है, जस्ट उसका आधा है, यानी मेल कितना है 40 mm इन लेंथ है और 1 mm इन ब्रेथ, यानी हम क्या कह सकते हैं जस्ट उसका हाफ ऑफ फीमेल, मेल का, ठीक है। अब एंटीरियर इंड हम देखेंगे मेल या फीमेल का, तो एंटीरियर इंड हमारा क्या था, रिमेन सेम था, सिर्फ साइज में फर्क था। तो एंटीरियर इंड में हमारा क्या है, माउथ है, ठीक है, माउथ लीड करता है किसमें, फारिंग्स में, फैरिंग्स और ओसोफेगस दोनों इसमें प्रेजेंट होते हैं। लेकिन बहुत बार क्या होता है, फैरिंग्स इसके जो है वो दो पार्ट में होता है, एक मस्कुलर दूसरा ग्लैंडुलर पार्ट में डिस्टिंग्विश होता है, यानी एंटीरियर मस्कुलर ओसोफेगस बोल सकते हैं या फैरिंग्स बोल सकते हैं, और पोस्टीरियर ग्लैंडुलर फैरिंग्स या ओसोफेगस, अभी आपको फिगर में बताते हैं, ठीक है। अब फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम जानते हैं कि फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन सा पार्ट होता है। तो फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारा क्या होता है, उल्वा होता है, ओविजेक्टर होता है,
यूट्रस होता है, यूट्रस क्या होता है, डिवाइडेड होता है सॉर्ट इनटू टू यूट्राई, मतलब दो यूट्रस किसमें डिवाइडेड है, टू स्मॉल यूट्राई में टू ओविडक्ट और टू ओवरीज प्रेजेंट होता है, और ये आपका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये डाइजेस्टिव सिस्टम के क्वाइल, मान लीजिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम है तो इसके क्वाइल, मतलब इसको क्वाइल किया रहेगा कौन सा पार्ट, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट। वही मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम अगर देखते हैं तो मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारा क्या है, उसके पास सिंगल टेस्टिस है, ठीक है, इजैकुलेटिंग डक्ट होता है, वो ओपन होता है इनक्लोइका, और टेल एंड के पास मेल को पहचानने का खास रीजन है कि टेल एंड के पास इसका क्या है, कॉइल्ड हैविंग टू अनइक्वल, जिसमें अनइक्वल मतलब क्या हो गया, एक लार्ज और एक स्मॉल, अनइक्वल यही होता है ना कि कब एक चीज छोटा और एक चीज बड़ा, तो लार्ज और स्मॉल स्पिक्यूल्स होते हैं, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं जो क्या करते हैं, हम मेल को पहचानेंगे और कॉपुलेशन में मदद करते हैं। ये स्पिक्यूल जो होता है इन स्पैरिकुलर सीथ में होता है, इस स्पैरिकुलर सीथ को हम क्या कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कीजिए, याद रखिएगा, ये पूछता है गवर्नेकुलम, ठीक है, यानी किसमें वो सीथ पाया, मतलब किसमें प्रेजेंट होता है स्पिक्यूल, जिसको हम क्या कहेंगे, गवर्नेकुलम, ठीक है। और इसके पास और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो किसी भी कॉम्पिटिशन में पूछता है, ऑब्जेक्टिव पैटर्न हो जहां वहां ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि 12 पेयर ऑफ कॉडल पैपिला प्रेजेंट होते हैं मेल में, कितने पेयर, 12 पेयर कॉपुला, ठीक है, कॉडल पैपिला प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह अगर ये आपने क्या किया, डिटेल हमने इसका मॉर्फोलॉजी के बारे में देखा, तो इस मॉर्फोलॉजी को अब देखिए फिगर के द्वारा समझिए। मैंने क्या बताया था मेल और फीमेल के बारे में, फीमेल जो है क्या है 65 to 100 mm इन लंबाई, लंबाई में इतनी है, ठीक है, और ब्रेथ में कितना है, मतलब चौड़ाई में कितनी है, 0.25 mm, ठीक है। वही मेल हमारा क्या है, आपका 40 mm है और 0.1 mm इन क्या है, ब्रेथ, ठीक है। अब एंटीरियर एंड को हम देखें, अगर एंटीरियर एंड को देखते हैं तो एंटीरियर एंड हमारा क्या है, सेम है, सिमिलर है, ये क्या है, माउथ और माउथ, मेल और फीमेल, सिर्फ साइज, क्योंकि मेल का साइज क्या होगा, स्मॉल होगा, तो भाई जाहिर सी बात है वो पतला होगा, छोटा होगा इन कंपैरिजन टू फीमेल। तो माउथ, माउथ लीड करता है किसमें, फैरिंग्स में, किसमें, फैरिंग्स किसमें लीड करता है, माउथ लीड इनटू फैरिंग्स, और फैरिंग्स में दो पार्ट है, एंटीरियर पार्ट ऑफ द फैरिंग्स इज मस्कुलर टाइप, कैसा है, मस्कुलर, एंटीरियर टाइप ऑफ फैरिंग्स हमारा कैसा है, मस्कुलर है, और पोस्टीरियर कैसा है हमारा, ग्लैंडुलर। तो ये भी आपको ध्यान देना है कि मस्कुलर पार्ट है एंटीरियर और पोस्टीरियर वाला हमारा कैसा है, ग्लैंडुलर। अब फिगर में भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, इसको मैंने इस तरह मस्कुलर बनाया और डॉट डॉट करके क्या बनाया है, ग्लैंडुलर। अब एंटीरियर इंड में ही मस्कुलर का फैरिंग्स, जहां मस्कुलर फैरिंग्स होता है वहीं पे हमारा क्या होता है, एंटीरियर इंड के पास ही हमारा क्या है, नर्व रिंग। तो ये दोनों में पाया जाता है, माउथ है, फैरिंग्स है, चाहे पोस्ट आपका मस्कुलर हो चाहे ग्लैंडुलर हो, और ये नर्व रिंग यानी मेल फीमेल का इतना स्ट्रक्चर आपका सेम आपका दिख रहा है। अब हम लीड करते क्या, माउथ लीड कर रहा है हमारा फैरिंग्स, ठीक है, फैरिंग्स और ऑसोफेगस, क्योंकि आप जो भी कह सकते हैं फैरिंग्स में है, फैरिंग्स का मस्कुलर और ग्लैंडुलर पार्ट है। आफ्टर दैट लीडिंग टू ए इंटेस्टाइन, ये आपका थोड़ा सा स्वेल पार्ट क्या है, इंटेस्टाइन है। तो ये इंटेस्टाइन, ये मेल का या फीमेल का, इधर मेल का भी देख सकते, लीड किस में कर रहा है, इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में लीड करने के बाद ये क्या कर आ रहा है, किसमें, फाइनली रेक्टम, और ये हमारा क्या है, एनस, फ्लोइकल का पार्ट का एनस, यहाँ पे भी हमारा ये क्या है, एनस, ठीक है। तो ये हमारा मेल और फीमेल का लगभग स्ट्रक्चर या सारा स्ट्रक्चर सेम है, अकॉर्डिंग, सिर्फ क्या फर्क है, इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी मेल का कैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और फीमेल का। अब इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरफ आ रहे हैं, तो हम मेल का और फीमेल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। मेल के पास हमारा क्या है, आपको मैंने बताया, मेल को हम कैसे पहचान रहे, पोस्टीरियर रीजन को देखे, देखिए पोस्टीरियर रीजन हमारा ये क्या है, सिलिंड्रिकल है, और यहाँ पे क्या है, पोस्टीरियर रीजन, मान लीजिए अगर हम मेल बना रहे हैं तो मेल का क्या है, क्वाइल है, और वही फीमेल का क्या है, ऐसे, ठीक है। तो मेल और फीमेल को दूसरा क्या पहचान सकते हैं, लगभग अगर मेल ये इस साइज का है फीमेल, तो मेल हमारा क्या है, इस साइज का है, यानी जस्ट उसके हाफ साइज का है।
तो अब हम देखेंगे क्या इसके फीमेल के जेनाइटल पार्ट के बारे में, देखते हैं रिप्रोडक्शन सिस्टम का। तो पहले आप ये देखिए मैंने क्या किया है, ब्लू कलर से क्या बनाया, इसके जेनिटेलिया या जेनाइटल पार्ट को बनाया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बनाया। तो सबसे पहले उल्वा, यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, उल्वा, ठीक है। ये क्या है, रिप्रोडक्टिव पोर है जहां से क्या करेगा, मेल और फीमेल कॉपुलेट करते हैं। उसके बाद ये आपका क्या हो गया, ओविजेक्टर है, जस्ट लीड कर रहा ओविजेक्टर में, ओविजेक्टर लीड कर रहा किसमें, आपका वजाइना में, और वजाइना लीड कर रहा हमारा यूट्रस में। यूट्रस के बाद मैंने बताया कि क्या है, टू स्मॉल यूट्राई है, टू ओवरी है, मैंने बताया ना टू ओवरी है, टू स्मॉल यूट्राई है और टू ओविडक्ट है, टू ओवरी से टू ओविडक्ट, एक एक ओविडक्ट निकलता है और फाइनली ये क्लोइका के एंटीरियर पोस्टीरियर पार्ट में लीड करता है। वही मेल का आप क्या देख सकते हैं कि सिंगल टेस्टिस है, ये क्या है, सिंगल टेस्टिस है, और टेस्टिस इजैकुलेटिंग डक्ट के बाद ये कहाँ खुल रहा है, आपके क्लोइका में खुल रहा है। तो ये हमारा मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। पूरी बॉडी, मेल हो या फीमेल हो, पूरी बॉडी कवर्ड होती है आपका क्यूटिकल से। ये भी पूछता कि बॉडी बॉडी कवर्ड इंटू क्यूटिकल्स, क्योंकि वहां हम लोग ने क्या पढ़ा था प्रोटोजोआ में, वहां हम लोग ने पढ़ा था पेलिकल, और ये क्या हो गया, इसकी बॉडी किससे कवर्ड है, क्यूटिकल से। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि क्यूटिकल से आपकी बॉडी। अब यहाँ पे क्या है, एनल, एनल मस्कुलेचर, एनल मस्कुलेचर दिख रहा है। तो मेल और फीमेल के एंड में हमारा एनस के पास क्या है, ये जो लाइनिंग दिख रही है, ये लाइनिंग क्या है, एनल मस्कुलेचर है, ठीक है। अब मेल के पोस्टीरियर एंड में हम आते हैं, मेल का पोस्टीरियर एंड हमारा क्या है, मेल का पोस्टीरियर एंड देखिए कर्व है, और इस कर्व में हमने बताया था कि स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं, ठीक है, लार्ज एंड स्पिक्यूल्स, और किसके अंदर, एक खास सीथ होता है जिसको हम क्या कहते हैं, स्पिक्यूल सीथ, जिसका नाम क्या है, गुबर्नेकुलम। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये देखिए स्मॉल स्पिक्यूल्स और ये लार्ज, ये हमारा क्या है, स्मॉल स्पिक्यूल्स और ये लार्ज स्पिक्यूल्स, किसमें प्रेजेंट होता है, आपके मेल में। देखिए फीमेल में मैंने ये ड्रॉ नहीं किया है, और इसी से ये क्या करेंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये मेल को पहचानने वाला तरीका है और ये फीमेल को पहचानने का मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन। हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि मेल कैसे है, फीमेल, सो इजी, मेल क्या है, कर्व है, और फीमेल क्या है, सिलेंड्रिकल है, दोनों आपका धागे की तरह स्ट्रक्चर है, पतला, ट्रांसपेरेंट, फिलीफॉर्म, मतलब आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, और जनरली मेल और फीमेल पेयर में ही पाए जाते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, क्वाइल होते हैं, मतलब इनको इजिली हम सेपरेट नहीं कर सकते, इसलिए मॉस्किटो जब भी बाइट करेगा ब्लड में, उसके ब्लडी मेल को क्या करेगा, सक करेगा, तो वो मेल और फीमेल जनरली साथ में ही आते हैं, और वो ब्लड में लिम्फ, ब्लड से होते हुए लिम्फ में जाके वो क्या करते हैं, कॉपुलेशन करते हैं। लेकिन इसका मेल और फीमेल में और एक इंपॉर्टेंट चीज है, मेल और फीमेल आफ्टर कॉपुलेशन या फर्टिलाइजेशन एक इन्फेक्टिव स्टेज प्रोड्यूस करता है, जिसको हम क्या कहेंगे, उस लार्वल स्टेज को क्या कहेंगे, माइक्रोफाइलेरिया लार्वा। और ये माइक्रोफाइलेरिया लार्वा क्या होता है, उसका इन्फेक्टिव स्टेज है, और ये माइक्रोफाइलेरिया लार्वा सक किया जाता है, सक्ड किया जाएगा मॉस्क्यूटो से, मैन से किसमें ट्रांसफर होगा, मॉस्क्यूटो में सक्ड किया जाएगा माइक्रोफाइलेरिया लार्वा। तो माइक्रोफाइलेरिया लार्वा हमारा इन्फेक्टिव स्टेज है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके फीमेल के बारे में हमारा एक जानने वाला और भी इंपॉर्टेंट है कि आफ्टर कॉपुलेशन या फर्टिलाइजेशन के बाद ये क्या करता है, फीमेल जो है क्या करती है, आपका कैसी होती है फीमेल, विविपेरस, मतलब आपका बच्चा देने वाली, या फिर ओवो विविपेरस, ओवो विविपेरस, ओवो मीन्स एक और विवी मतलब आपका बर्थ करने वाला। तो आप सोचेंगे कि ओवो विविपेरस कैसे हो सकता है, तो इस कंडीशन में क्या करती है, ये अंडे को ले तो करती है लेकिन अपने बॉडी में ही हैच आउट तक वो क्या करती है, रखती है। ऐसे कंडीशन यानी जो अंडे को ले की वो, उसके बाद हैच आउट हुआ, माइक्रोफाइलेरिया लार्वा जो हैच आउट होगा या जो भी होगा वो फीमेल के बॉडी के अंदर ही होगा, इस कंडीशन में हम इसको क्या कहते हैं, ओवो विविपेरस। तो फीमेल की ये भी एक खास कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है कि कैसी होती है, ओवो विविपेरस हो सकती है, विविपेरिटी हो सकती है, ओवो विविपेरस होती है, ठीक है। अब ये आपका क्या है, आप जान ही गए कि उचेरिया वेन कॉप्टी की वजह से क्या हो रहा है, हमारा एक डिजीज हो रहा है वर्ल्ड वाइड, हर जगह
पोलर रीजन को छोड़ के सभी जगह क्या हो रहा है, इसकी वजह से एक डिजीज हो रहा है। उस डिजीज को हम क्या कहेंगे, नॉर्मली सब लोग फाइलेरिया सब कुछ जानते हैं, या हाथी पाव या एलिफेंटाइसिस सब लोग जानते हैं। तो ये हमारा रिकॉर्ड क्या है, वर्ल्ड हमारा जो वेनोक्रॉप्टिक होता है WHO की रिपोर्ट के हिसाब से ये क्या है, 200 मिलियन जो हमारे पीपल होते हैं वो सफर करते हैं फाइलेरिया से। 200% हमारे लोग क्या होते हैं फाइलेरिया से, मतलब हर साल क्या होते हैं 200 मिलियन जो आपके पीपल हैं वो क्या करते हैं इस बीमारी से सफर करते हैं, जिसमें ये फिर आगे चल के क्या हो जाता है एलिफेंटियासिस में होता है, जिसमें एडल्ट वर्म क्या होगा, एडल्ट वर्म ब्लॉक कर देगा पैसेज ऑफ, किसका पैसेज, मान लीजिए लिम्फेटिक सिस्टम का पैसेज क्या, मान लीजिए ये लिम्फ है हमारा, लिम्फ का सिस्टम है हमारा, लिम्फेटिक वेसल्स है, तो ये लिम्फेटिक वेसल्स है, लिम्फेटिक वेसल्स में ये लिम्फेटिक नोड्स है, ये मान लीजिए चारों तरफ से वेसल्स है लिम्फेटिक, तो ये क्या करेंगे आपके जो माइक्रोफाइलेरिया या फिर जो एडल्ट वर्म है जो हेयर लाइक, ये क्या करेंगे ब्लॉक कर देते हैं, मान लीजिए मेल और फीमेल, ये क्या करेंगे इसके पैसेज को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है सर्कुलेशन लिम्फ का नहीं हो पाता है, और उसकी वजह से लिम्फेटिक वेसल्स में क्या हो जाएगा, इनॉर्मस स्वेलिंग, बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो जाएगी, और डेवलप क्या करेगा फाइब्रस टिश्यू, टिश्यू में फाइब्रस टिश्यू का डेवलपमेंट करेगा, और इस तरह फाइब्रस टिश्यू का डेवलपमेंट करने के बाद क्या होगा, लोअर लिम्ब जो है हमारा, जनरली ये किसको इफेक्ट करता है, लोअर लिम्ब या लोअर पार्ट, पेनिस को, स्क्रॉटल को, मेमोरी ग्लैंड को, वहां पे ये क्या करता है ब्लॉकेज करेगा, और एक फाइलेरिया का एक क्या करेगा डिजीज कॉज करेगा, जिसको हम क्या कहेंगे एलिफेंटियासिस। ठीक है, जनरली ये लोअर लिम्ब स्क्रॉटल सैक में या पेनिस में या लोअर लिम्ब में, मतलब पैर में हाथ में, तो लोअर फिट जो भी है हमारा लोअर ग्लैंड है वहां पे वो क्या करेगा एक बीमारी कॉज करेगा, जिसको हम क्या कहेंगे एलिफेंटियासिस। तो बहुत ही आसान है, ठीक है, आप इसके कंप्लीट इस मॉर्फोलॉजी को इजीली जान सकते हैं, आराम से पहचान सकते हैं फाइलेरिया वर्म को। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके लाइफ साइकिल और माइक्रोफाइलेरिया लार्वा के बारे में आपको बताते हैं। ओके, थैंक यू।